माझी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपराध की योजना बनाते समय 5 अपराधी को किया गिरफ्तार, साथ में देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और शराब की 2 बोतलें भी बरामद। बताते चलें कि माझी थाना प्रभारी पुलिस दल के बल के साथ गुप्त सूचना के आधार पर माझी थाना क्षेत्र के एक डेढ़वा गांव में बैठे अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को धर दबोचा। 5 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 अपराधी भागने में सफल हुए। जो थे, जो वहाँ से अंधेरे का लाभ उठाकर 2 या 3 थे, वो भाग गए हैं। पकड़े गए अपराधी मुबारकपुर में छठ घाट पर हुई फायरिंग के आरोपी भी बताए जा रहे हैं। बीते रात्रि माझी थाना अंतर्गत एक डेंगवा गांव में सुमित कुमार के घर पर कुछ अपराधियों के छिपे होने की और अपराध की योजना बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी। उसके आधार पर एक टीम गठित करके छापेमारी की गई, जिसमें से कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 हथियार है, 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और चाकू है, 10 कारतूस है, मोबाइल और अंग्रेजी शराब की 2 बोतल भी बरामद की गई है। कैसे अपराधी हैं ये? पूर्व में 2-3 अपराधी हैं इसमें, जिनका नाम है रोहित उर्फ भोलू, जो पूर्व में भी कई कांडों में आरोपित रहे हैं, और इन्हें छठ घाट पर भी जो घटना हुई थी इस बार फायरिंग की, उसमें भी ये एक्यूज रहे हैं। क्या योजना थी इन लोगों की वहाँ पर? कोई अपराध बनाने की योजना थी, कहीं घटना घट करने की, जिससे पुलिस को सूचना मिली है तो वो गिरफ्तार किया गया है। छठ घाट में जो गोलीबारी हुई थी, उसमें इनका क्या रोल था? उसमें ये थे साथ में, नौटंकी के साथ ये शामिल थे। सर, कल एक शहर में सर घटना हुई है प्रिंस की।